नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल कॉल में। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भी एक्सेल शीट के अंदर डाटा सीरीज कैसे बनाते हैं और बेसिकली डाटा सीरीज होती क्या है। डाटा सीरीज एक रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं? इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो अपना टेबल फॉर्म में जो डाटा है एक्सेल शीट के अंदर, उसको चार्ट फॉर्म में हमने उसको शो करना है। तो और इसी वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल भी इसमें करके दिखाऊंगा कि भी कैसे एक्सेल शीट के अंदर प्रैक्टिकली हम जो अपने पास टेबल फॉर्म में जो डाटा है उसको कैसे हम चार्ट फॉर्म में ला सकते हैं। तो जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हो कि एक शीट ओपन है। इसी शीट के अंदर कुछ फील्ड्स बनी हुई है। मुझे डाटा सीरीज बनाने के लिए सबसे पहले मैं स्क्रीन फील्ड को सेलेक्ट करता हूँ। मैंने क्या क्या रीजन, सेल्स और प्रॉफिट को सिलेक्ट किया। उसके बाद मुझे क्या करना है कि इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको शो हो रहा होगा कि चार्ट का एक ऑप्शन आ रहा है। इस जैसे आप चार्ट पे क्लिक करते हो तो चार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि कॉम्बो, आपको क्लस्टर्ड कॉलम या लाइन शो हो रहा है तो आपको क्या करना है कि लाइन की जगह क्लस्टर्ड कॉलम सेलेक्ट करना है। जैसे आप क्लस्टर्ड कॉलम सेलेक्ट करते हो तो आपके पास ये चीज क्लस्टर्ड कॉम्बिनेशन का ऑप्शन आता है। तो आप इस पे जो क्लस्टर्ड कॉम्बिनेशन के जस्ट डाउन साइड में एक चार्ट बना हुआ, आप जैसे इस पे क्लिक करते हो तो आपकी शीट के अंदर वो चार्ट, आपने जैसे रीजन, सेल्स, प्रॉफिट जो सिलेक्ट किया था उसका चार्ट बन के आ जाता है। जैसे कि ये चार्ट मेरी शीट, मेरे जो शीट के अंदर जो कॉलम और रोज को हाइड कर रहे हैं, तो मुझे इसको मूव करना, थोड़ा सा मूव कर देता हूँ मैं ताकि मेरी डाटा को हाइड नहीं करे। उसके बाद क्या करना है कि आप देखिएगा कि भी चार्ट तो अपना बन गया। अब इसके अंदर अपने को परसेंटेज ऐड करना है। तो परसेंटेज ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो चार्ट बना हुआ है वो वहाँ पे आप एक बार क्लिक कीजिएगा और राइट क्लिक करने के बाद इसमें आपका सिलेक्ट डाटा आता है। जैसे आप सिलेक्ट डाटा पे क्लिक करते हो तो आपको क्या करना है कि जो रीजन, सेल्स, प्रॉफिट के अलावा एक परसेंटेज की भी फील्ड बनी हुई है, आप उसको भी आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मुझे परसेंटेज कॉलम को सिलेक्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चार्ट डाटा रेंज, इसके से सामने एक शीट का ऑप्शन बना हुआ है, इस शीट पे मैं क्लिक करता हूँ और फिर मैं अपनी शीट के अंदर जो मुझे जो फील्ड बनी हुई है उन सभी को सिलेक्ट करके और शीट पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ। तो आप चार्ट के अंदर देखिए कि पहले आपके सेल्स प्रॉफिट ही शो हो रहे थे, अब आपके आपका परसेंटेज भी शो हो गया है। तो दोस्तों, परसेंटेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे कि परसेंटेज का फॉर्मूला भी आपको शो हो गया है। अभी आपको क्या करना है कि भाई अपना चार्ट तो बन गया। दोस्तों, इस तरीके से अपना प्रैक्टिकल वर्क करके चार्ट बना सकते हैं। अब मुझे अपने चार्ट के अंदर अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना है, जैसे फिल्टर है या इसकी स्टाइल है, इसका एलिमेंट चेंज करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। जैसे आप चार्ट पे क्लिक करते हो तो आपके राइट हैंड साइड में जैसे फिल्टर, चार्ट स्टाइल और चार्ट एलिमेंट्स, इसके अंदर कुछ आपको ऐड करना है और कुछ चीज़ें भी शो होनी चाहिए कि भी जैसे सेल्स प्रॉफिट परसेंटेज है, आप जैसे इस पे आप क्लिक करते हो तो एक्सेस स्टाइल, डाटा लेबल, ये चीज आपके सामने शो हो जाएगी। उसके बाद जैसे आप फिल्टर पे क्लिक करना चाहते हो, आप फिल्टर पे क्लिक करने का मतलब आप डाटा फिल्टर करना चाहते हो, मतलब आपको क्या करना है कि भाई मेरे को, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे आपने फिल्टर पे क्लिक किया तो इसके अंदर वैल्यू और नेम आता है, तो आपने वैल्यू पे क्लिक किया। वैल्यू पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, और प्रॉफिट किसका नहीं चाहिए, एशिया का नहीं चाहिए। और जैसे मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि अफ्रीका, यूरोप, यूएसए, पहले एशिया भी शो हो रहा था, अब एशिया रिमूव हो गया यहाँ से। तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट ऑल कर लीजिए, सिलेक्ट वापिस ऑल और अप्लाई कीजिए, तो वापिस वो सेम एजेंसी आपका सेम चार्ट वापिस बन गया। तो दोस्तों, इस तरीके से आप डाटा सीरीज का चार्ट बना सकते हो।